इस बार देवास क्षेत्र में सोयाबीन बिगड़ने के समाचार ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। यदि 2-3 दिन में बारिश नहीं हुई तो उगी हुई सोयाबीन की फसल भी खराब होने के कगार पर आ जाएगी। जानकारी मिलने पर हमारे संवाददाता कमल गर्ग ने ग्राम मवासिया पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर किसानों के खेत में जाकर देखा तो किसानों ने करीब 10 दिन पहले बोनी कर दी थी। बारिश न होने की वजह से बोई हुई सोयाबीन की बोनी बिगड़ जाने पर खेतों में ट्रैक्टर चलाकर दोबारा सोयाबीन बोने के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। वहाँ के किसानों ने बताया कि करीब 9 से 10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का बीज लाकर बोया था, लेकिन बारिश न होने से सोयाबीन का बीज उग नहीं पाया। सिर्फ इसी गांव में करीब 50 क्विंटल सोयाबीन की बोनी बिगड़ चुकी है, जिससे किसान को दोबारा बोनी करना पड़ेगी। इसी तरह ज्वार मक्का की फसलें भी खराब होने से समाचार मिल रहे हैं। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। कहाँ रहते हो? मवासिया। अच्छा, ये खेत में जो ट्रैक्टर चला रहे हो किसका खेत है? ये दिनेश जानी का खेत है मवासिया। तो यहाँ ट्रैक्टर क्यों चला रहे हो? इसमें फसल बोई हुई थी सर, ये बिगड़ चुकी है। क्या सोयाबीन बोया था? हाँ सोयाबीन। तो सोयाबीन की बोनी बिगड़ गई? बिगड़ गई। तो इसलिए डबल से बखरा रहे हो? डबल से बखर के बोना है इसको वापस। डबल से बोओगे इसको? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? महेश पिता राम गोपाल जाट मवासिया। अच्छा, आप यहाँ किसान हो? जी किसान हूँ यहाँ। तो आपने ये सोयाबीन की फसल कब बोई थी? 1 हफ्ते पहले। तो क्या हुआ उसमें? बोने के बाद में वो खराब हो गए थे, फिर खेत बना के दूसरे बीज लाया। अच्छा, आपने कितने क्विंटल की बोनी करी थी? 4 क्विंटल 45 किलो। अच्छा, तो क्या उग नहीं पाया था ये? बिल्कुल नहीं उग पाए थे। तो इसके कारण इसमें क्या ट्रैक्टर चला के और वापस डबल बोनी की तैयारी करी आपने? हाँ, ट्रैक्टर फेर के खेत बना कम्प्लीट रखा, बीज भी लाया वापिस। क्या भाव लाए थे बीज आपने? 8,900 के भाव। ऐसा है सर, ये बताएं कि कृषि विभाग में आप कौन से पद पे हैं और आपका क्षेत्र कौन सा है? मैं कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं और मेरा क्षेत्र है सतवास। अच्छा, आपके सतवास क्षेत्र में बोनी की क्या स्थिति है? सतवास क्षेत्र में अभी वर्षा बहुत ही कम हुई है, इसलिए बिल्कुल बोनी नहीं हुई है। हालांकि कुछ गाँव में क्षेत्र के जहाँ थोड़ा बहुत पानी गिर गया है तो कुछ लोगों ने अभी बोनी शुरू की है। तो वो वहाँ पे जिन लोगों ने बोनी कर दी है उनकी फसलों की स्थिति क्या है? उनकी स्थिति क्या है कि अभी ही बोनी करी है। अब जहाँ जहाँ थोड़ा सा पानी गिर रहा था, जैसे खेरखेड़ा है और मसूरिया है, इसमें कुछ बोनी करी है किसानों ने कल परसों में। अच्छा, यदि बारिश कितने दिन नहीं आएगी तो ये फसल टिक सकती है? ये 4-5 दिन अभी नहीं आएगी जहाँ पर्याप्त हुई बारिश। वैसे क्या है, किसानों ने जो बोनी करी है वो कम से कम 3 इंच पानी गिरना चाहिए, उसी के बाद बोनी करना चाहिए। लेकिन किसान क्या है कि बहुत कम पानी में बोनी करी है और मानसून, ये प्री मानसून बारिश थी, इसके कारण भी दिक्कत है, क्योंकि मानसून सही ढंग से भी आया नहीं है, इसलिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं। यदि 3-4 दिन पानी नहीं आता है तो किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इसमें। सर ये बताएं कि इस सीजन में करीब सोयाबीन का कितना रकबे की बोनी हो चुकी है और कितना शेष है? इस बार हर बार 53,000 हेक्टर में सोयाबीन होती रही है। इस बार मक्का, अरहर और ज्वार का रकबा कुछ बनने की संभावना है, यह देखते हुए भी वर्तमान में 25,000 में बोनी हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर हमारे तहसील कन्नौज में बोनी हुई है 20,000 हेक्टर करीब हम, और 5,000 छत्वास्थ तहसील का है। उधर जो है मक्का की कुछ बोनी हुई है, बाकी क्षेत्र सतवास एरिया का भी खाली पड़ा है। जैसे अच्छी बारिश होगी तो वो भी बोनी करेंगे, किंतु कई किसानों ने प्री मानसून आई और उसमें ही बोनी कर दी जल्दबाजी में, वो गलत है, क्योंकि अभी 3 इंच बारिश होने तक हम हर बार कहते रहे हैं। इस बार भी कहा, पेपर न्यूज भी दिया है डीडीए सामने, और हम भी चर्चा होती लोगों से बात करते हैं, भाई ज़रा बारिश पर्याप्त हो जाए तो इसके बाद ही बाहर बोनी का काम शुरू करें, किंतु किसान रुकता नहीं है। बारिश जैसे ही शुरू होती है वो बोने में जल्दबाजी करता है, और परिणाम आज हम देख रहे हैं कि
30% जो इस पर आज बोनी हुई थी उससे 30-40% जो स्थानों पर बोनी बिगड़ने की संभावना और कई जगह से अभी मेरे पास शिकायत नहीं आई है कि भाई अमुक गाँव में मेरे गाँव में मेरे खेत में बोनी बिगड़ गई है, लेकिन फिर भी कई जगह से हम सुनते हैं व्यापारियों के माध्यम से या हमारे संवाददाताओं के माध्यम से कई चर्चा होती है तो उसमें बताया गया है कि कई जगह बोनी बिगड़ी है जो अच्छी बात नहीं है। सैकड़ बार बोनी करनी उनको करना पड़ेगी, दोबारा बार बीज का खर्चा फिर वहन करना पड़ेगा और वो भी फसल जो बोएंगे वो सही स्थिति में उपाय नहीं उपाय उसका क्या भरोसा, तो समस्या तो है। बारिश अभी हमारे क्षेत्र में पर्याप्त हुई नहीं है, 3 इंच बारिश होती है और उसके बाद बारिश बोनी की जाती है तो उसकी ये संदर्भ इतना नमी रहती है उस फसल के लिए कि भाई 15 दिन बारिश नहीं होती है तो फसल जीवित रहती है। तो जिन किसानों ने बोनी करी है और उन लोगों की फसल जैसे पानी नहीं आ रहा है और बोनी जो है अभी जमी हुई है, ऐसी स्थिति में पानी है उनके पास तो वो क्या करें? पानी अगर है उनके पास तो फवारे से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।